भाई अंदर की तरफ देखोगे आप कि आपने दो लेयर की जो डैम्पिंग होती है ना, एक अंदर एक बाहर, वो दोनों कंप्लीट अपनी और डॉक्टर आर्टेक्स की जो नैनो सीरीज आती है, वॉल्यूम बटन होता है, मोड होता है बस, बाकी इसमें ज्यादा रैप भी नहीं होता। और जो पार्ट में सिल्वर की बात कर रहा था ना, वो सिल्वर पार्ट भी नहीं होता, तो अब इसकी जगह वो टॉप मॉडल वाला। एवरीवन भाई, तो फिर बात करते हैं विटारा की एक नई वीडियो में। तो आज जो गाड़ी आई है वो तो आपको पता ही भाई, मारुति की विटारा जो बिल्कुल नई लॉन्च है वो आई है। तो आज की वीडियो ना अपनी पूरी बनने वाली होगी, इसमें ए टू जेड सारा काम है, साथ में इसकी क्या क्या एक्सेसरीज है जो हमारे पास अभी अवेलेबल है ना, वो सारी एक्सेसरीज की जो बात है वो मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। सबसे पहले अगर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में ना आप यहाँ पे क्रोम लगवा सकते हो, जिसमें दो तरीके क्रोम आते हैं, एक तो गोल्डन शेड में आता है, एक अपना क्रोम में आता है, तो उसकी जगह ये लगा सकते हो आप। इसके अंदर जो प्रोजेक्टर है, इसके अंदर आपका नॉर्मल बल्ब आता है, तो इसको आप चेंज करवा के वाइट करवा सकते हो। आगे का जो सिल्वर प्लेट है, अगर आपको स्किड प्लेट लगाना है ना इसका, तो ये वाला पार्ट जिसे बेस में ब्लैक आता है, तो उसको चेंज करवा के ना यहाँ पे आप सिल्वर पार्ट लगवा सकते हो। और बाकी जो मेन काम चल रहा है ना वो अंदर की तरफ चल रहा है, तो एक बार अंदर चलते हैं, वहाँ आपको दिखाता हूँ। साथ में आपको बताऊँ तो इसके अंदर ना अपना जो मिरर लग रहा है वो, उसमें 360 कैमरा इंस्टॉल हो रहा है। तो ये देखोगे आपकी यहाँ पे 360 का जो कैमरा है वो इंस्टॉल हो चुका है। क्रोम वगैरह और डोरवाइजर वगैरह की बात करें ना, डोरवाइजर इसमें दो तरीके का आते हैं, एक तो ऐसे क्रोम लाइन वाले आते हैं, दूसरा जो आता है अपना प्लेन आता है, दोनों आपके पास अवेलेबल मिल जाती है। साथ में इसके हैंडल क्रोम की बात करें तो हैंडल इसमें सेंसर वाला दे रखा है, तो हैंडल तो भाई पुराना वाला जो आता है ना उसी के तरीके से लग जाएगा। अब इसको बंद करते हैं और नीचे का आपको दिखाते हैं ना भाई, आपको यहाँ पे देखोगे तो पियानो और सिल्वर फिनिश के अंदर में ना क्रोम मिल जाता है, जो कि लुकअप में देखोगे तो कुछ ऐसा आता है। तो ये चीज़ें आप इसमें लगवा सकते हो बेस वेरिएंट में, जो चीज़ें हमने इंस्टॉल करी। साथ में ये साइड स्किट देखोगे तो ये साइड का जो स्किट प्लेट है ना, ये भी आप लगवा सकते हो, साइड फुटरेस्ट ही बोल दो भाई इसको। और वजन एक बार मैं अगर इस पर डाल के देखूँ ना भाई, तो फुल्ली हैवी है। साथ में इसके अलॉयज नहीं आते, तो अलॉयज आप इसके अंदर डलवा सकते हो, डायमंड कट वाले भी आते हैं, सिल्वर आता है, वो दोनों ऑप्शन मिलता है आपको, वो आप डलवा सकते हो। बात करते हैं इस गाड़ी में काम क्या क्या चीज़ का हो रहा है, तो काम मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई अंदर की तरफ देखोगे आप कि आपने दो लेयर की जो डैम्पिंग होती है ना, एक अंदर एक बाहर, वो दोनों कंप्लीट अपनी और डॉक्टर आर्टेक्स की जो नैनो सीरीज आती है उसकी लग चुकी है। एक चीज़ मैं आपको बता रहा था, इसमें मिरर तो कंपनी से आते हैं इंडिकेटर वाले, बट उसके अंदर ना फोल्डिंग का ऑप्शन नहीं होता, तो एक वो फोल्डिंग का ऑप्शन है, वो आप यहाँ से करवा सकते हो। बाकी अंदर बात करें सिस्टम का ना, तो सिस्टम इसके अंदर लग रहा है अपना ये वाला एंड्रॉयड लग रहा है, 9 इंचेस का वो लग रहा है। साथ में इसके अंदर इन्फिनिटी के कुछ वो लग रहे हैं, स्पीकर्स लग रहे हैं, तो वो भी देखते हैं। बाकी और क्या क्या चीज़ है अंदर का वो मैं आपको बता दूँ कि और क्या क्या चीज़ पार्ट जो अंदर का ना वो आपको मिल जाएगा अंदर। भाई सबसे पहले ना आपको ये वाला पार्ट जो आता है ना, ये टॉप मॉडल में आता है, लेदराइट के अंदर आता है, अपना डबल स्टिचिंग के साथ आता है, ये वाला पार्ट आपको मिल जाएगा दोनों साइड का। दूसरा आपको स्टेयरिंग मिल जाएगा, जो कि अभी इसमें फिट हो चुका है अपना, वो मिल जाएगा आपको। साथ में ये वाला जो पार्ट आता है ना क्रोम का, ये जो अभी सिल्वर पार्ट है, ये आपको क्रोम में और एक गोल्डन कलर का आता है, वो मिल जाएगा आपको। यहाँ पे जो क्रोम लगता है आपका गियर नोब के पास वाला क्रोम, वो मिल जाएगा। कंसोल तो इसमें ऑलरेडी आता ही है, तो कंसोल पे आप लेदराइट चेंज करवा सकते हो, सीट कवर लगवा सकते हो, और बहुत सारी ऐसी एक्सेसरीज जो आपको मिल जाएगी वो आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इसको पैक कर देते हैं। 360 का सेटअप जो लग रहा है ना इसके अंदर, उसके अंदर एक तार आती है, ये देखोगे ना चार तार जो है इसमें, अपना 360 जो लगेगा वो वर्क करेगा प्रॉपरली, तो वो अभी इसको फिट होने देते हैं। फिट होने के बाद आपको दिखाते हैं सर प्रॉपर कंप्लीट लुक, एंड देन फिर लेंगे कस्टमर रिव्यू एंड करेंगे भाई वीडियो का एंड। स्टेयरिंग भी अपना आ चुका है ना, एक बार इसको खोलते और देखते जो अपना विटारा में जो टॉप मॉडल में स्टेयरिंग आता है ना वो किस टाइप का आता है वो भी दिख जाएगा। ओपन करना एक बार इसको ज़रा, ये भाई अपना जो स्टेयरिंग आता है ना वो कुछ इस तरीके के पैकिंग में आता है। खोलना इसको, ये देखो, तो ये है भाई अपना जो विटारा के अंदर भी स्टेयरिंग लगने वाला है। फुल अपना रैप होता है, दोनों तरफ आपको कंट्रोल मिल जाता है, एक कंट्रोल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और दूसरा कंट्रोल आपको इस साइड देखने को मिल जाएगा। बाकी हब जो है उसका वो पुराना वाला ही लगेगा, और यहाँ पे आपको कॉलिंग बटन वगैरह मिल जाता है। साथ में जो इसका क्रोम फिनिश देखूंगा तो यहाँ पे भाई सिल्वर पार्ट में आपको पूरा पार्ट मिल जाता है, यहाँ से लेके और पूरे उस साइड तक का। तो अब इसको फिट करने के लिए देते हैं, बाकी फिटिंग के बाद दिखाते हैं आपको कैसा लुक आएगा इसका। और जो भाई आपका बेस मॉडल का स्टेयरिंग आता है ना वो कुछ इस तरीके से आता है, जिसमें आपका सिर्फ वॉल्यूम बटन होता है, मोड होता है बस, बाकी इसमें ज़्यादा रैप भी नहीं होता। और जो पार्ट में सिल्वर की बात कर रहा था ना, वो सिल्वर पार्ट भी नहीं होता, तो अब इसकी जगह वो टॉप मॉडल वाला फिट हो रहा है इसके अंदर, तो वो देखेंगे फिटिंग के बाद कैसा दिखने वाला है। विटारा का जो काम है ना पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो फ्रंट की तरफ से भाई कुछ चेंजेस नहीं था, मेन जो काम हुआ था ना वो इसका मिरर का हुआ था। एक तो अपना ये मिरर ना बेस मॉडल में ऑटो फोल्ड नहीं आता, तो ये मिरर ऑटो फोल्ड हुआ है। दूसरा यहाँ पे अपना 360 इंस्टॉल हुआ है आगे पीछे चारों तरफ का। एक बार मैं आपको फ्रंट का दिखाऊँ ना, फ्रंट का जो कैमरा इसका आप देखोगे तो फ्रंट का जो कैमरा ना 360 का यहाँ पे लगा, ताकि जो व्यू है वो आपको प्रॉपर दिख सके। दोनों साइड मिरर पे कैमरा आ गया अपना, और एक बैक साइड की तरफ देखोगे ना तो बैक साइड अपना रिवर्स पे यहाँ पे कैमरा लग जाता है, ये देखो। तो इसमें आपको रिवर्स कैमरा चलाने की नीड नहीं होती, इसी कैमरे में ना आपका पूरा का पूरा जो है सामने देखोगे ना स्क्रीन में वहाँ आपको दिख जाएगी, इसी कैमरे में जो आपका वो है वो चल जाता है। अब चलते हैं भाई अंदर की तरफ, लेते हैं अंदर का, देखते हैं अंदर क्या क्या जो हुआ है वो बताता हूँ आपको। सबसे पहले नहीं वो भाई, सबसे पहले अपना
भाई अंदर की तरफ में आप देखोगे ना कि यहाँ पे अपना डोर पैनल है ना, ये भी बना हुआ नहीं है, वैसे ही पेंटेड है, तो इसकी जगह वो करवा सकते हो। ये वाला पार्ट जो है ये वुडन करवा सकते हो। बाकी जैसा मैंने आपको बताया था कि मिरर फोल्डिंग जो है इसमें मतलब ऑन हो जाता है, तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, जैसे मैं बटन दोबारा प्रेस करूँगा ना, दोबारा से अपने आप खुल जाएगा। और जो 30 के अंदर वो थी भाई अपनी स्टीयरिंग जो लगी हुई थी ना, वो स्टीयरिंग जो इसका प्रॉपर चेंज कर दिया हमने। इसमें देखोगे ये जो कवर है इसके अंदर वो ऑलरेडी इसके अंदर आता ही है, साथ में आपको बटन वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती है, और साथ में यहाँ कॉलिंग बटन, वॉइस और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। सामने यहाँ क्रूज़ का ऑप्शन आपको दिख जाता है, एक बार हेडलाइट की फर्स्ट पॉइंट ऑन करोगे तो क्रूज़ की लाइटिंग भी ऑन हो जाएगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि विटारा में ना भाई अगर आपको क्रूज़ ऑन करवाना है तो क्रूज़ ऑन भी हो जाता है। अब आते सामने सिस्टम की तरफ, सिस्टम मैंने आपको बता ही दिया था कि सिस्टम जो लगा है इसके अंदर वो अपना 9 इंच का एंड्रॉयड लगा है, विद प्राइमस के जो कंपोनेंट को एक्सल लगे आगे पीछे वो है। बाकी अगर इसमें फ्रंट में बात करें जाने क्या क्या चीज़ अवेलेबल है तो वो नेक्स्ट वीडियो आप देखोगे। ये वाला जो पार्ट है ना आपका, ये पूरा पियानो पीस में आता है, वो मिल जाता है आपको, क्रोम वगैरह मिल जाता है, तो ये सारा काम होता है इसके अंदर। अब एक बार ना इसका 360 चेक करते हैं, देखते हैं भाई कैसे करेगा ये वर्क। तो यहाँ आते हैं और भाई ऐप खोलते हैं, ये है अपना 360 का व्यू। तो ये भाई अभी देखो फ्रंट का चल रहा है, सामने का अगर मैं राउंड का लेता हूँ ना तो राउंड का 360 का व्यू कुछ ऐसा आएगा। ये सिर्फ फ्रंट का है, ये अपने साइड का, ये दोनों मिरर साइड का दिख जाएगा आपको, ये देखो, और ऐसे देखे तो ये आ जाता है। बाकी रिवर्स कैमरा अगर इसमें लगाते हैं ना 3D में, अगर आप इसको देखते हो तो 3D में कुछ ऐसा लुक आता है। बाकी चारों साइड का देखोगे तो अभी कैलिब्रेशन बाकी, एक साइड का वो कंप्लीट होने के बाद ना कुछ ऐसी लुक आ पाती है। और क्लैरिटी देखोगे ना अगर कैमरे की, तो कैमरे की क्लैरिटी आपको यहाँ पे दिख जाएगा सामने की तरफ। ये देखो कितनी क्लैरिटी दे रखी है, मतलब 360 वालों ने, इतना तो आपके रिवर्स कैमरा जो लगता है नॉर्मल उसमें भी नहीं आता। तो ये सारा बेसिकली काम हुआ था इसके अंदर। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे जो और क्या क्या चीज़ें काम जो है इसके अंदर वो करवा सकते हैं।